नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल योर्स ऑडिटर पे। मैं राहुल आज बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी, जो लोग अपना करियर एनर्जी की फील्ड में बनाना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप एनर्जी मैनेजर बनना चाहते हैं और आपने बीटेक किया है या बीई किया है, तो आपको 3 साल एनर्जी के फील्ड में वर्क करना पड़ेगा। उसका वर्किंग एक्सपीरियंस लगता है फॉर्म फिलअप के टाइम। इसके अलावा आप मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, थर्मल मेंटेनेंस, कहीं आपने जॉब किया है तो इसका 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर चाहिए आपको। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, आपने डिप्लोमा किया है, तो उसके बाद आपको 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सेम एनर्जी के फील्ड में या मेंटेनेंस के फील्ड में। और अगर आपने एमटेक किया है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एनर्जी के फील्ड में, तब आप एलिजिबल होते हैं इस पेपर में बैठने के लिए। इसके बाद ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसका पेपर लेता है। इसमें आपको 3 पेपर क्वालिफाई करनी पड़ेगी एनर्जी मैनेजर बनने के लिए। अगर आप पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आपको एक सर्टिफिकेट देता है अपना, जो आप सर्टिफाइड मैनेजर बन जाते हो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के। और अगर आपको एनर्जी ऑडिटर बनना है तो आपको इसमें 3 साल का सेम वही जो मैनेजर में होता है, और एमटेक वाले के लिए भी 2 साल। लेकिन इसमें क्या होता है, एक पेपर बढ़ जाता है। इसमें 4 पेपर आपको देनी पड़ेगी, 4 पेपर आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आपको सर्टिफिकेट देगा कि आप उनके सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर हो। आइए हम बात करते हैं वो 4 पेपर कौन कौन से होते हैं। तो पहला पेपर होता है एनर्जी एफिशिएंसी एंड इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज। सेकेंड होता है जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड एनर्जी ऑडिट। थर्ड में होता है एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज। फोर्थ पेपर होता है एनर्जी परफॉर्मेंस असिस्टेंस फॉर इक्विपमेंट एंड यूटिलिटी सिस्टम्स। आप ये चारों पेपर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जब फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप का टाइम यही अप्रैल के आसपास आता है, इस बार लेट हो गया है। और इसका एग्ज़ाम सितंबर में होती है, लास्ट टाइम इसका एग्ज़ाम हुआ था 21 और 22 सितंबर को। तो आप आसानी से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साइट से इसके 4 पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसका जो लिंक है पेपर का, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप एनर्जी मैनेजर या एनर्जी ऑडिटर बनना चाहते हैं तो अभी से लग जाए, क्योंकि सितंबर माह में इसका पेपर होता है, जो कि साल में एक बार होता है, सितंबर में होता है। लास्ट टाइम हुआ था 20 और 21 सितंबर को। तो आपके पास अभी बहुत टाइम है अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप नीचे कमेंट में हमें बताएं, हम उसका निराकरण करेंगे, बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो और यदि आप फ्रेशर हो, आपने अभी अभी बीटेक किया है या बीई किया है या एमटेक किया है या एमई किया है, तो आप अगर अभी से इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको एनर्जी सर्विस कंपनी की साइट पर जाना है, वहाँ से जो आपको अच्छा लगे एनर्जी सर्विस कंपनी, आपके लोकेशन वाइज जो आपको सुविधा हो आपके लिए, तो वहाँ से उनका ईमेल आईडी आपको लेना है और एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाओ, उस पर आप फॉरवर्ड करो। तो एज आप ट्रेनिंग इंजीनियर या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो एनर्जी सर्विस कंपनी होगी या जो एनर्जी ऑडिटिंग कंपनी होगी, आपका 6 महीने का परफॉर्मेंस को देख के आपका जो इंटर्नशिप है उसको आपको प्रमोट करके आपको एनर्जी इंजीनियर बना दिया जाएगा। फिर आप 3 साल इस फील्ड में वर्क करने के बाद ब्यूरो का सर्टिफाइड ऑडिटर या मैनेजर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके लिए आपको फिर से पेपर क्वालिफाई करना उसके लिए आपको यह पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में किसी भी टाइप का कोई डाउट रहता हो एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जहाँ तक होगी हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे।